नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2020 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ntanit.nic.in पर ऑनलाइन रिजल्ट देखे जा सकते हैं। इस बार की परीक्षा में ओडिशा के शोएब आफ्ताब टॉपर बने हैं। 18 साल के शोएब ने न सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है बल्कि 720 में से 720 अंक लाकर नीट परीक्षा में इतिहास रच दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को क्या करना है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि नीट 2020 की कट ऑफ कितनी गई है। सामान्य श्रेणी YEWS के लिए 720 से 147, OBC के लिए 146 से 113, SC के लिए 146 से 113, ST के लिए 146 से 113, सामान्य या EWS दिव्यांग के लिए 146 से 129, OBC दिव्यांग के लिए 128 से 113, SC दिव्यांग के लिए 128 से 113 और ST दिव्यांग के लिए भी 128 से 113। नीट के नतीजों और कट ऑफ की घोषणा के साथ ही अब स्टूडेंट्स को अपना कोर्स और कॉलेज की चॉइस तय करनी है। MBBS की 80,055 सीटें, BDS की 26,949 सीटें, आयुष की 52,720 सीटें और BVSC की 525 सीटों के लिए जल्द ही काउंसलिंग शुरू की जाएगी। अब आपको बता देते हैं काउंसलिंग के लिए क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले काउंसलिंग की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर रजिस्टर करें। इस वेबसाइट पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी होगी। इसके बाद अपना पसंदीदा कोर्स और कॉलेज के विकल्प का चयन करना होगा। रैंक और रिजर्वेशन वगैरह के आधार पर आपको सीट उपलब्ध करवाई जाएगी। तय डेट और टाइम पर आपको सीट की काउंसलिंग के लिए पहुँचना होगा। अब जान लीजिए काउंसलिंग के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। नीट परीक्षा का रैंक लेटर, 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार या पैन कार्ड, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, स्टेट काउंसलिंग के लिए रेजिडेंट प्रूफ और परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड। उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर कोई सवाल और सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए।